हेलो दोस्तों, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो है जमायत रैन वेस्ट बंगाल की तरफ से एक मीटिंग का इनकार किया गया था। एक कमेटी बनी हुई है वेस्ट बंगाल में। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। जमायत रैन वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया जमायत रैन के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद शकील और एडवाइजर कमेटी के चेयरमैन सैयद अख्तर और जफर आजम प्रोफेसर महमूद आलम का खैर मकदम किया जमायत रैन वेस्ट बंगाल की जानिब से। जमायत रैन वेस्ट बंगाल के सदर मोहम्मद सोराब साहब वहाँ पे मौजूद हुए थे और तमाम जो मेहमान आए हुए थे जमायत रैन वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया जमायत रैन के जनरल सेक्रेटरी एडवाइज़र कमेटी के चेयरमैन और जो लोग मेहमान आए थे उन लोगों का खैर मकदम किया गया। वेस्ट बंगाल के सदर मोहम्मद सोराब, जमायत रैन के वर्किंग सदर मोहम्मद मुमताज़, जनरल सेक्रेटरी बिलाल अहमद खजानची, आमिर इश्तियाक और इम्तियाज़ आलम और इरशाद अहमद, इन्होंने पेश रहे मेहमानों का खैर मकदम किया और वहाँ पे बहुत सी बातें हुए जमायत रैन वेस्ट बंगाल की जानिब के की तरफ से। और वेस्ट बंगाल जमायत रैन के सदर जनाब मोहम्मद सोराब साहब ने बहुत बड़ा एक ऐलान किया कि हर साल के 10-15 दिन बाद यानी कि शवाल के में 20 जोड़ों का इज्तिमाई शादी कराया जाएगा जमायत रैन वेस्ट बंगाल के ज़रिया। और वहाँ पे बहुत सी बातें हुई। इन लोगों का कहना था कि तालीम के मैदान में भी इन लोगों का काम करता जमायत रैन बिरादरी जो है, ये लोग फल फरोश होते हैं और उसके बाद सब्ज़ी फरोश होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों को मान्यता मिला हुआ है। और ये वेस्ट बंगाल का वीडियो जैसे देख रहे हैं, ये कल का वीडियो जमायत रैन वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया जमायत रैन के लोग तमाम लोग थे और यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। और जनाब सोराब साहब जो कि वेस्ट बंगाल के की तरफ से सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ऐलान किया और तालीम के मैदान से ले कर और उन लोगों के जो है हेल्थ के मामले में भी बहुत कुछ सोचा गया है कि कैसे किस तरीके से समाज में जो है एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया जाए। जमायत रैन का वेलकम करने का मकसद ही यही था और लोगों को बताया गया कि ये जमायत रैन इस किस तरीके से यहाँ पे काम। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन सैयद अख्तर साहब ने बहुत सी बातें बताईं, पुरानी तमाम बातों का जिक्र किया। जफर आजम प्रोफेसर महमूद आलम साहब ने भी यहाँ पे जो है इसमें शिरकत किया था और बहुत सी बातें बताया गया। और आपको बताते चले कि हर साल 10 ईद के 10-15 दिनों के बाद 20 जोड़ों की शादी कराई जाएगी और बुनियादी सहूलत समाज को कैसे पहुंचाया जाए, तालीम के मैदान में हो या किसी भी और मैदान में हो। इन लोगों के पास काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं जमायत रैन वेस्ट बंगाल के, ये काफ़ी पुराना इदारा है। जैसे कि जनरल सेक्रेटरी और खजानची साहब जो थे, इन लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का पूरा बंदोबस्त किया था। आइए कुछ सुनते हैं बातें कि यहाँ पे क्या क्या बातें हुई। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। सबसे ज़्यादा अहम काम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तालीम के मैदान में सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। तो हम लोग बैठ कर करके उसको स्ट्रैटेजी ठीक करेंगे। पिछले दिनों भी और भी तंजीम की जानिब से हम लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं है एडुकेशन तक हम लोगों ने काम नहीं किया। PSC एडुकेशन सपोर्ट काउंसिल जब बना था तो मैं उसमें एक अच्छे पोस्ट पर था, लेकिन अब वक्त की बात है कि अभी हम और लोग जो चला रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं एडुकेशन सपोर्ट काउंसिल। इसी तरीके से बहुत सारी तंजीमें हैं और भी, मैं तंजीम से जुड़ा हुआ था लेकिन कुछ ऐसे हालात थे जो आप थोड़ा इधर कुछ काम में अपना वक्त नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे कि आगे जो भी है तालीम के से मुतालिक हो, बच्चों का शादी ब्याह के मुतालिक बात हो, ये अपलिफ्टमेंट फॉर दी एंटायर कम्युनिटी एंड फॉर राइन बिरादरी हो, हम लोग देखेंगे उसको। और हम लोग अलग तरीके से कोई मतलब कि किसी बरादरी को कोई हम लोग इस तरीके से कोई ऐसा कमेंट्स को ऐसा नेगेटिव थॉट्स कर करके हम लोग बात नहीं करेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर बरादरी के लोगों को साथ में लेकर के चल करके जमायत हो रही है। बात यह है ना कि कोई भी संगठन जो होता है या जमीयत होती है, आम अवामुन्नास जो उसमें अवामुन्नास होती है वो काम देखना चाहते हैं। हम लोगों को अपना काम पहले पेश हम करें, अपनी एक्टिविटीज़ को हम उजागर करें। जब तक हम अपनी एक्टिविटीज़ को उजागर नहीं करेंगे और कुछ हासिल नहीं करेंगे तो अवामुन्नास हमारे साथ नहीं आएगी। होता ना है आदमी जो दिखता है वही बिकता है, तो हम लोग वो चीज़ अभी कर नहीं पाए हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं। वो काम अंजाम हम लोगों ने अभी तक नहीं दे पाए। अभी एक
बड़ा फैसला लिए हैं जनाब हमारे सदर साहब ने, मतलब हर साल ईद के बाद यानी 10 सवाल से लेकर 15 सवाल के दरमियान 20 जोड़े का शादी मास मैरिज करने का है। ये तो अपनी जगह पर एक है, ये भी अच्छा काम है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो काम है उसके लिए हम लोगों को सर जोड़ कर बैठना होगा। लॉन्ग लास्टिंग जो दूर तक चले एक विजन, हमें अपना रैन बिरादरी के लिए एक विजन तैयार करना होगा। उस विजन को जब तक हम तैयार नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहले एक अग्राइन पेपर निकलता था, जब हमारी तंजीम डेड हुई तो सब बंद हो गया। अभी आपको मैंने बतलाया कि हम लोग सबसे अभी जो इलेक्शन डेमोक्रेसी ढंग से दिल्ली में हुआ है, अब हम अपना मैगजीन भी निकालने जा रहे हैं, और इसके बाद जो पुराना हमारा रजिस्टर्ड है सारा चीज, सिर्फ उसको जो है थोड़ा पेट्रोल पंप डालने की ज़रूरत है। हमारे बरादरी में डॉक्टर, इंजीनियर और सभी तबके के लोग हैं। बट क्या है कि अभी जो आपने कहा है कि हम एक सोविनियर भी निकालेंगे, और जिसमें वेस्ट बंगाल के जो बरादरी के फाउंडर जिन लोगों ने सर पे टोकरी उठा करके इस बरादरी के लिए मेहनत किया है उनको भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए हम सौरभ साहब, अल्लाह का करम है, ये अभी यंग हैं हमारे मुमताज भाई, इनको भी हम यंग ही कहें, खताब दिए हैं कि बहुत जज्बा है इनके पास, सब करेंगे हम लोग। और स्टेज वाइज क्योंकि